दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 23 फरवरी 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 को लेकर, जहां क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2024 का इंतजार सभी भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। बीसीसीआई और आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट कर रही 10 की 10 फ्रेंच जो ने आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन के लिए जोरों शोरों से अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। आईपीएल 2024 का पूरा कार्यक्रम भी कल यहां पर बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने मिलकर आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया है, जहां पर 22 मार्च 2024 से आईपीएल 2024 का आगाज होने के लिए जा रहा है। सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है, लेकिन आईपीएल के आगाज से पहले आज की तारीख में आईपीएल 2024 को लेकर 3-4 बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए वन बाय वन हम बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 2024 के शेड्यूल को लेकर, जहां पर भाई मैंने आप सभी लोगों तक अपडेट पहुंचाया था कि आईपीएल 2024 का शेड्यूल हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलेगा, जहां पर कल फाइनली पार्ट वन का पूरा शेड्यूल बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया है, जहां पर आईपीएल 2024 का पहला मैच ओपनर मैच हमें चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर चेपो के स्टेडियम से लाइव देखने को मिलेगा। और आईपीएल 2024 के शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल, शुरुआती 15 दिनों का शेड्यूल यहां पर बीसीसीआई ने रिवील कर दिया है। जी हां, पूरे शेड्यूल को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर शुरुआती 21 मैचों का शेड्यूल कुछ इस तरह का रहने वाला है। पूरी लिस्ट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि भाई सेकंड पार्ट का शेड्यूल कब आएगा, तो इसके ऊपर भी कल ही यहां पर बीसीसीआई ने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया था, जहां पर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि जैसे ही भारत में साल 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शंस की डेट्स को फाइनलाइज कर लिया जाता है, उसके जस्ट बाद आईपीएल 2024 के बचे हुए मैचेस का पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम हमें बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे यहां पर शेड्यूल के रिगार्डिंग कोई फर्दर अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो को लेकर, या सेकंड ट्रेड विंडो फिलहाल चालू थी। फर्स्ट ट्रेड विंडो के दौरान तो सीरियसली बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेड्स भी हुए थे आईपीएल इतिहास के, सबसे महंगे, सबसे बड़े, सबसे हैरान करने वाले, सबसे मतलब जबरदस्त ट्रेड्स यहां पर हुए थे, जिसके बाद भाई सभी को सेकंड ट्रेड विंडो से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई सेकंड ट्रेड विंडो में भी हमें कुछ ट्रेड्स यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कल यहां पर फाइनली बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2024 की सेकेंड ट्रेड विंडो को बंद, क्लोज्ड कर दिया है। और सेकेंड ट्रेड विंडो के दौरान हमें कोई भी ट्रेड यहां पर देखने को नहीं मिला, जिससे अब यह कंफर्म हो गया है कि आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा में टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब इसके बाद सीधा मिड सीजन ट्रांसफर विंडो चालू होगी, जिस दौरान कोई खिलाड़ी अपनी टीम में बदल सकते हैं, यानी भाई ट्रेड विंडो का सिलसिला फिलहाल यहां पर आईपीएल से पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर है आईपीएल 2024 के मैचेस की टाइमिंग्स को लेकर, जहां टाइमिंग्स यहां पर रिवील हो गई है, जहां पर शाम वाले महामुकाबले हमें भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से लाइव देखने को मिलेंगे, वही दोपहर वाले मैच हमें भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से लाइव देखने को मिलने वाले हैं। वही टाइमिंग्स है जो पिछले साल थी, टाइमिंग्स में यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम को लेकर, जहां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, और भाई ये खबर थोड़ा सा टीम को निराश करने वाली है, नाराज करने वाली है। जी हाँ, इस टीम के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो पिछले काफी लंबे टाइम से एक गंभीर एंकल इंजरी का शिकार थे, और भाई उन्होंने बाद में रिवील भी किया था कि भाई वर्ल्ड कप के सभी मैचेज उन्होंने इंजेक्शन लेकर खेले थे, इंजरी का उस टाइम भी वो शिकार थे, एंकल इंजरी गंभीर इंजरी थी, और भाई फिर भी इन्होंने मतलब जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ तब से लेकर अभी तक क्रिकेट से पूरी तरह से दूर चल रही है। और ऐसे में यहाँ पर बहुत ही बुरी खबर कल गुजरात टाइटंस टीम के फैंस के लिए, गुजरात टाइटंस टीम के लिए,
फ्रेंचाइजी के लिए निकल कर आई है, जहां पर मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से पूरी तरह से ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रूल्ड आउट हो चुके हैं, जहां उनकी एक सर्जरी होने वाली है जिसकी रिकवरी में सीरियसली उनको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। जी हां, जो इंजेक्शन उन्होंने वहां पर वर्ल्ड कप के दौरान लिए थे उन इंजेक्शन की वजह से वो आईपीएल 2024 मिस करने वाले हैं। और सीरियसली इस खिलाड़ी का जो डेडिकेशन लेवल है, मैं कहीं ना कहीं पर्सनल इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन यहां पर बन गया हूं। खैर दोस्तों, अब यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम आने वाले कुछ टाइम के अंदर इनके आइडियल रिप्लेसमेंट ऑफिशियल रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट करेगी। और जैसे भी यहां पर रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट होती है कोई नई खिलाड़ी की, गुजरात टाइटंस टीम में एंट्री होती है, तो भी अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर भी आपको पता है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट मैच ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, उसके बाद टीम इंडिया ने कमबैक किया, बैक टू बैक 2 टेस्ट मैच जीते, 2 दोहरे शतक हमें यशस्वी जायसवाल की तरफ से देखने को मिले, जिसके चलते फिलहाल इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से लीड हासिल कर रखी है। और फाइनल इस सीरीज के 4th टेस्ट मैच का आगाज भी आज भारतीय समय अनुसार 9:30 से हो जाएगा। राजकोट के स्टेडियम में मैच खेला जाएगा और भाई सीरियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग, सॉरी रांची के स्टेडियम में मैच होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच होगा। रेड सोयल लाल मिट्टी वाली पिच पर मैच देखने को मिलेगा, बिल्कुल बैलेंस्ड पिच है, बल्लेबाजी भी देखने को मिलेगी, गेंदबाजी भी देखने को मिलेगी, पेसर्स अटैक भी देखने को मिलेगा, स्पिनर्स की फिरकी भी देखने को मिलेगी, पूरी बैलेंस्ड पिच यहां पर तैयार की गई है। तो सीरियसली ये जो 4th टेस्ट मैच है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। आपके जसप्रीत बुमराह यहां पर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, केएल राहुल भी अभी तक फिट नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते आपके यहां पर मुकेश कुमार की प्लेइंग 11 में एंट्री होने वाले, ऐसा यहां पर फिलहाल सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। प्लेइंग 11 में कोई बड़ा चेंज, खास चेंज यहां पर होगा नहीं। और भी आपको पता है सरफराज खान, उसके अलावा आपके रजत पाटीदार, धुरव जुरैल जैसे युवा खिलाड़ियों पर टोटली हम सभी की निगाहें रहने वाली। लेकिन आपके मुताबिक कौन सी टीम बनेगी 4th टेस्ट मैच की चैंपियन, भारत या फिर इंग्लैंड, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2024 को लेकर, जहां WPL के सेकंड एडिशन का आगाज फाइनली आज से होने के लिए जा रहा है। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूंगा, वुमेन प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2024 एडिशन आज से शुरू होगा। सबसे पहले हमें ओपनिंग शेयरमनी देखने को मिलेगी, भारतीय समय अनुसार शाम के 6:30 से हमें ओपनिंग शेयरमनी लाइव देखने को मिलेगी। उसके बाद 7:30 से पहला मैच होगा, लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स आप सभी को पता है मोबाइल पर जियो सिनेमा टेलीकास्ट करने वाला। उसके अलावा टीवी का भी आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स सिटी यहां पर कवरेज देने वाला है। तो भाई कहीं ना कहीं सीरियसली WPL एडिशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से क्रिकेट के महासंग्राम का आगाज होगा, हम भी यहां पर अपनी फैंटेसी टीम्स अपने टेलीग्राम चैनल पर बनाकर लगातार डालते रहेंगे। तो भाई फैंटेसी टीम्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल के रिगार्डिंग ही। जी हां, आईपीएल की पार्टनरशिप को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई, जहां पर अगले 5 साल के लिए बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक ब्रांड के साथ डील यहां पर कर ली है। ड्रीम इलेवन को इन्होंने पीछे हटा दिया, ड्रीम इलेवन को बोल दिया कि भाई आप अब हमारे यहां पर ऑफिशियल पार्टनर नहीं रहे हैं, हमने अपना नया पार्टनर यहां पर ढूंढ लिया है। जी हां, नया पार्टनर माई 11 सर्कल बनाया। जी हां, माई 11 सर्कल फाइनल यहां पर आईपीएल का अब ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। जी हां, जिस तरह से आपको बताया अभी से ड्रीम इलेवन का नाम हमें हर जगह पर आईपीएल में देखने को मिला था, अब भाई वो हट जाएगा, उसकी जगह माई 11 सर्कल ने ले ली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। जी हां, ऋषभ पंत के कमबैक का सभी को बेसब्री से इंतजार। वैसे में यहां पर कल दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने खुद उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है, जहां पर उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया कि आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के लिए अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। उसके अलावा बाकी सभी सर्विसेज दिल्ली कैपिटल्स की टीम को देंगे, दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान के पद पर, लीडर के पद पर हमें देखने को मिलेंगे। और वही दूसरी तरफ एक फुल टाइम बैटर यहां पर होंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, जिसके चलते भाई थोड़ा सा मतलब बुरी खबर जरूर है लेकिन खबर भी जरूर है, क्योंकि पंत फाइनली यहां पर कमबैक तो कर रहे हैं, मैच चेंजिंग के खिलाड़ी है, इस टीम का कप्तान होगा, इस टीम का लीडर होगा, इस टीम का मेन रोल यहां पर होगा। तो भाई कहीं ना कहीं आईपीएल 2024 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर, जहां हैदराबाद की कैप्टनसी को लेकर बड़ा सस्पेंस बरकरार था, कौन होगा आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में टीम सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान, क्या यहां पर एडन मार्करम कंटिन्यू करेंगे या फिर आपके पैट कमिंस के साथ यह टीम जाने वाली है। पैट कमिंस को इन्होंने नीलामी के दौरान बहुत बड़े हैवी अमाउंट में परचेज किया था और भाई अब हाईली चांसेस है कि भाई हमें इस टीम के नए कप्तान के पद पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर, जी हाँ सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है। 1 जून से 29 जून के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें 2 कंट्रीज में, जी हाँ वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलने वाला है। सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है, पूरा शेड्यूल, पूरा कार्यक्रम, वेन्यूज, टाइमिंग, सब कुछ, मतलब सभी डिटेल्स यहाँ पर रिवील हो चुकी है। और ऐसे में भाई एक ही चीज का सभी को इंतजार कि भाई कब होगा सभी टीमों के फाइनल स्क्वाड्स का ऐलान, कब यहाँ पर स्क्वाड सुने जाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहूंगा, आईसीसी ने अपने डेडलाइन डेट रिवील कर दिए, जहां पर 2nd week of April 2024 से पहले T20 वर्ल्ड कप 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली 20 की 20 टीमों को अपने फाइनल स्क्वाड्स की अपनी 15 सदस्यीय टीम की लिस्ट आईसीसी को सौंपनी पड़ेगी। आईसीसी ने यहां पर कड़े नियम बना दिए हैं और भाई सिलेक्शन के लिए भी कुछ प्रोसीजर्स यहां पर है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्पेसिफिक वीडियो जो हमने T20 वर्ल्ड कप के ऊपर बनाई थी उसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों यहां दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की जरूरत बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।